नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और आप देख रहे हैं एके ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो दोस्तों आप डीजीपे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन पर डीजीपे को कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, साथ ही दोस्तों इसमें आप अपने कस्टमर्स का कैसे बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से आप कैसे बैलेंस विदड्रॉल कर सकते हैं, मनी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डीजीपे को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो है ज़रूरत पड़ेगा। मेरे पास दोस्तों अभी है ये मॉर्फो का डिवाइस, जो कि इस डिवाइस से मैं आपको कनेक्ट करके और रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर कस्टमर्स का कैसे बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ इस चैनल पर इसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुँच सके। तो दोस्तों ये है हमारा वीवो का Y12 का हैंडसेट और इसी में मैं आपको अभी डीजीपे इंस्टॉल करके और रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और बैलेंस इंक्वायरी करके। तो ये रहा हमारा मॉर्फो का डिवाइस और अभी हमारे ये जो मोबाइल फ़ोन है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी प्ले स्टोर से सबसे पहले दोस्तों मॉर्फो SLCRD सर्विस को इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आप अपने फ़ोन पर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आपके पास मॉर्फो का डिवाइस है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। उससे पहले दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, डीजीपे का जो एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डीजीपे का एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे जैसा कि अभी आप देख सकते हैं और सेटिंग में जाने के बाद OTG जो है इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर जो हमारा OTG है उसको ऑन कर देंगे, OTG ऑन करेंगे और उसके बाद हम अपने डिवाइस को जो है इसमें कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इस डिवाइस को जो है हमें अपने मोबाइल फ़ोन पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको आप जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ देख सकते हैं योर डिवाइस इज रेडी फॉर यूज़, मतलब ये हमारा रेडी है यूज़ करने के लिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डीजीपे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये हमारा डीजीपे एप्लीकेशन है, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, परमिशन देंगे हम इसमें, अलाउ कर देंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सबसे पहले तो आप अपना CSC ID इंटर करेंगे। चलिए हम अपना CSC ID इंटर कर लेते हैं। फिर CSC ID इंटर करने के बाद इस बॉक्स में ओके करना है, फिर प्रोसेड करना है। जब आप प्रोसेड करेंगे उसके बाद ये आपका वैलिडेटिंग होगा। चलिए हम वेट कर लेते हैं जब तक ये वैलिड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया है, अब हम यहाँ पर OTP इंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने OTP इंटर कर लिया है, यहाँ पे वेरीफाई OTP करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है रजिस्टर डिवाइस, ये हमारा CSC ID, हमारा नाम, मोबाइल नंबर आ गया जो रजिस्टर्ड है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्कैन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर बायोमेट्रिक में हम अपना फिंगर देंगे स्कैन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रखा और ये हमारा सक्सेसफुली जो है सपोर्ट कर लिया है बायोमेट्रिक और उसके बाद यहाँ पर जो है रजिस्टरिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बता रहा है रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पे यस कर देंगे। अब हम इसको लॉगिन करेंगे, फिर से हमारा CSC ID इंटर करना है। CSC ID इंटर करने के बाद यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको हम टैप करेंगे, हमारा बायोमेट्रिक में यहाँ पे आएगा, फिर हम यहाँ पे हो जाता है। आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास जो है एक OTP भेजा है, फिर से हम इस OTP को हम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने OTP इंटर कर लिया, यहाँ पे वेरीफाई OTP हम करेंगे और आप देख सकते हैं ये DGPay का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे विदड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ बैलेंस चेक का, पासबुक, DMT और उसके बाद पे आउट। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे बैलेंस विदड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है अपना पे आउट कर सकते हैं। उसके बाद इधर आप 3 डॉट पर क्लिक करके अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको पता चल गया है कि डीजीपे आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यहां से कैसे आप बैलेंस चेक कर पाएंगे, साथ में कस्टमर्स का कैसे विदड्रॉल कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार आए हमारे इस चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।